लोग यात्राएं की हमारे बीच उन्होंने खूब बढ़िया पढ़ा। एक बार उनके सम्मान में आप ताली बजा दें। कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। अभी कुछ दिनों पहले जाना है वैसा जरूर जाके क्या करना है। अरे क्या है, आदमी अकेले नहीं जाता, मैं एक चीज देखा हूँ, जब अकेला जाता है तो दूसरा पड़ोसी भी जाता है, तब तो निकले। मैं तो रांची में कोई सम्मेलन कर रहा था, एक लड़का जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा है, बैठो रायपुर शहर, बढ़िया कविता सुनाएंगे, देश का इतिहास बनाएंगे। वो बोला दुनिया इतिहास बनाओगे कोई घर का भूगोल बिगाड़ डाले। कभी जैसा देखता है वैसा दिखता है। मैं बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ, अखंड राम साहब जी जगह से भी बैठे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी से मेरी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट में, मैं हांगकांग जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की हालत खराब है, जुड़ी थी क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा देखिए मैं कभी साफ लिखूंगा साफ बोलूंगा। उन्होंने भी इसीलिए आपसे पूछा। मैं बोला पोजिशन ये है भैया कि चार कांग्रेसी एक दिशा में एक साथ नहीं चल सकते, चार कांग्रेसी एक दिशा में एक साथ उसी समय चलते हैं जब पांचवा उनके कंधे पे लेटा हो। इसलिए कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। फिर एक युवराज आए हिंदुस्तान में, युवराज को कहा गया कि ये युवाओं के आइकॉन। मैंने खूब अध्ययन किया उनके बारे में, कहां पढ़े, कितना पढ़े, क्या किया। फिर मैं सोचा ये है युवाओं का आइकन, जिसका न चिंतन न विजन न मनन न विचार न कार्य प्रणाली न कार्य योजना न आई न कान, वो कायका आइकन, वो कायका आइकन। हम भ्रमित होने वालों में से नहीं है। कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। एक रुपये किलो जाऊं फोकट में नून, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कहूं एक बार आपके तो नावे में है रंग, फिर माँ बाप के गम अठी को उम्र नहीं साले, क्वार्टर को हम करते कम, क्वार्टर के भाव कम करे भगवान के समान तोरे सरकार बना लो, थोड़ा कंफर्ट सही कुर्सी बैठो। एला एक ट्रिक और वैसे मारे जाते हैं ट्रिक। मोड़ा टच करे तब तो ये हाल है, और डायरेक्ट टच कर देता हूँ ट्रिक, ऐसे मारे जाते हैं। आइए मेरे पास मेरी विदा, मेरे मिशन और मेरी विचारधारा की कवि बैठे हैं, जिस मिशन को लेकर हम कविता कर रहे हैं। भाई केदार सिंह परिहार, छत्तीसगढ़ी और हिंदी गीतों के गीतकार, जोरदार तालियों के बीच में उन्हें बुलाना चाहता हूँ, आप सब उन्हें जानते हैं।